शेरू प्लीज कुछ खा ले, सुबह 11:30 बजे से तूने कुछ नहीं खाया। शेरू शेरू प्लीज कुछ खा ले। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, एक बार फैसला आ जाए मैं फिर खा लूंगा। शेरू फैसला आ चुका है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। शेरू तू इस बात को क्यों तस्लीम नहीं कर रहा? कैसी बातें कर रहे हैं, रिमोट उठाएं, जियो लगाएं, फैसला बस आने ही वाला है। जियो तो खुद यतीम हो चुका है शेरू, अब वो तुझे क्या दिखाएगा? फिर वही बात, अभी देखना, सुरखुरू होते ही मेरा प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तमाम साजिशों को बेनकाब करेगा, और फिर दलाल चौधरी और दानियाल अजीज को वजारतें भी तो देनी है। उन्हें तो अब वजारत जिल्लत और रुसवाई ही मिल सकती है शेरू, और कुछ नहीं मिल सकता। लगता है आपको सकता हो गया, इतनी तजर्बाकार टीम के होते हुए कोई कैसे इन्हें नाहल कर सकता है? ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, आबिद शेर अली, ये सब लोहे के चने हैं, इन्हें कोई नहीं चबा सकता। शेरू अदलिया ने इन्हें चबा भी लिया और थूक भी दिया। ख्वाजा आसिफ का तो अपना कामा निकल आया, साद रफीक भी अपनी ट्रेन की पटड़ी से उतर चुका है, फैमिली के वीजे लगवा रहा है और अब वो रॉकेट पे जाएगा। और आबिद शेर अली, वो तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि उस पर केस किया जाए, उसको तो राणा सनाउल्ला ही काफी है। शेरू तू मेरी बात मान ले, पप्पू 5 पेपरों में फेल हो गया है शेरू, तू विधवा हो गया है शेरू, तू विधवा हो गया है। जब छुपा नहीं सकते तो चोरी करते क्यों हो? भैया हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारे सर ये उजड़ गए। शेरू फिक्र ना कर मेरी जान, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक हल है। क्या? हम पार्टी बदल लेते हैं, सिर्फ जरदारी, इसके बाद तुम्हारी बारी है।